खून नाड़ियों में चले ना कि ये नालियों में बहे। साथ समझी प्यार से कहना धन्यवाद। सूरज सा जले रोशनी दे गए, चांद बनकर खिले चांदनी दे गए, जाते जाते हमें सद्गुरु रूप में आप फिर से नई जिंदगी दे गए। अज्ञानता के घनघोर अंधेरे में ज्ञान का धमकता सूरज, बुझते दिलों में उम्मीद की नई रोशनी जगाने वाला मसीहा, जो मानवता को अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, जो अपने पावन प्रेम की किरणों से लोगों के दिलों में फैले अंधकार को मिटा देता है, हर भटकते को राह दिखाता है, गिरते को सहारा देता है, संभालता और संवारता है, सभी को प्यार करके प्यार से जीना सिखाता है और समर्पित कर देता है अपने आप को मानवता पर, वही होता है मानवता का मसीहा। जी हाँ दोस्तों, उसी मानवता के मसीहा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को नमन करते हुए न्यूज़ डिवाइन के सफ़र की शुरुआत करते हैं मई महीने के समाचारों के साथ। जून महीने के इस एपिसोड में मैं हूँ आपके साथ समता। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिव्य वाणी, समागम, सेल्वेशन टूर्स, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात एंड अदर न्यूज। और अब खबरों को विस्तार देते हुए आगे बढ़ते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के अमृत वचन देश हो या विदेश, हर कहीं नफरत वैर से तपते दिलों को ठंडक प्रदान करते हैं। आप आज हमारे बीच साकार रूप में मौजूद ना हो, लेकिन आपके विचार संपदा आज भी हमारे पास है, जो संजीवनी बनकर हर परिस्थिति में हमें नवजीवन देती है। तो न्यूज डिवाइन की शुरुआत में आइए सबसे पहले सुनते हैं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्य वचन। जैसे मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ की बातें होती हैं कि ये जी बड़े पुराने इतनी सदियों से युगों से ये धर्म चल रहे हैं, जिनको हमने धर्म मान लिया और क्रियाओं तक सीमित रख दिया है, इसका कोई महत्व नहीं है। एक करोड़ों करोड़ों मील अंधकार अगर फैला हुआ है तो क्या इसलिए उसका महत्व हो जाएगा क्योंकि करोड़ों मील फैला हुआ है? और एक दीपक जल रहा है जो रोशनी उसकी थोड़ी सी सीमा में ही है, तो क्या इसलिए उसकी अहमियत कम हो जाएगी क्योंकि वो दीपक की पहुंच केवल 10 फुट तक है, 20 फुट तक है उसकी रोशनी, और अंधकार का फैलाव करोड़ों मील तक है जहां तक निगाह जाती है। तो इसलिए उस हिसाब से जैसे दुनियावी हमारी नाप तोल बनी हुई है, हमारे जो पैमाने बने हुए हैं, उस लिहाज से तो फिर अंधकार का ही अहमियत होनी चाहिए क्योंकि करोड़ों मील फैला हुआ है। नहीं, करोड़ों मील फैला हो बेशक, लेकिन महत्ता फिर भी उस दीपक की है जो एक रोशनी दे रहा है। भले ही वो सीमा में दे रहा है, लेकिन फिर भी उसका ही महत्व है। और करोड़ों मील के फैले अंधकार का वहाँ पर जोर नहीं चल सकता जहाँ पर वो रोशनी उस दीपक की जल रही है, उस दायरे में नहीं आ सकता है। इसी तरह से एक भक्त जन, महापुरुष संत जन भी चाहे वे सीमा में ही क्यों ना हो, लेकिन का महत्व होता है। वो चाहे छोटे से बच्चे के रूप में ही क्यों ना हो, उनका महत्व होता है। अगर भक्त प्रहलाद है, छोटा सा बच्चा है, तो उसका महत्व है। उसके पिता हिरण्यकश्यप का नहीं है, बेशक वो राजा होगा, बेशक उसके हुक्म चलते होंगे, बेशक वो बड़ा इस तरह से उसके हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन उसके कारण उसका महत्व नहीं है। महत्व फिर भी उसके बेटे का ही है, उस भक्त प्रहलाद का ही है। इसी तरह से महत्व नेकी का है, महत्व प्रेम का है, महत्व विशालता का है, महत्व सहनशीलता का है, महत्व सबर संतोष का है, महत्व निष्काम सेवा की भावना का है। इनका ही महत्व है, ये कभी धूमिल होने वाला नहीं है। इनका इनकी अहमियत थी, इनकी अहमियत है, और इनकी अहमियत का एहसास भक्त जन कराते आए हैं और करा रहे हैं। इनको अपनाकर, इनको जीकर, इनके ऊपर चलकर। दिव्य
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानवता के मसीहा सद्गुरु बाबा जी पिछले वर्ष 13 मई के दिन निरंकार प्रभु में लीन हो गए। सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी की छत्रछाया में बाबा जी को याद करते करते एक वर्ष कब बीत गया पता ही नहीं चला। और फिर आ गया वो दिन जिस दिन बाबा जी ने साकार रूप में हमसे विदा ली थी, यानी 13 मई का दिन। मानवता को अपने संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित करना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, परंतु उनके प्रेम और परोपकारों के आगे श्रद्धा से सिर खुद ब खुद झुकने लगता है। उनके जीवन का हर एक पल रहमतों की अनेक दास्तानें समेटे हुए है। उसी महान कल्याणकारी जीवन से प्रेरणा लेने के लिए 13 मई 2017 को सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी की छत्रछाया में दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित समागम ग्राउंड में मानवता के मसीहा सतगुरु बाबा जी की याद में समर्पण दिवस समागम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानवता के मसीहा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पिछले वर्ष 13 मई के दिन निरंकार प्रभु में लीन हो गए। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी की छत्रछाया में बाबा जी को याद करते करते एक वर्ष कब बीत गया पता ही ना चला। और फिर आ गया वो दिन जिस दिन बाबा जी ने साकार रूप में हमसे विदा ली थी, यानी 13 मई का दिन। मानवता को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले बाबा हरदेव जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित करना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, परंतु उनके प्रेम और परोपकार की स्मृतियां इतनी घनीभूत हैं कि श्रद्धा में सिर खुद ब खुद झुकने लगता है। उनके जीवन का हर एक पल रहमतों की अनेक दास्तानें समेटे हुए है। उसी महान कल्याणकारी जीवन से प्रेरणा लेने के लिए 13 मई 2017 को सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी की छत्रछाया में दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित समागम ग्राउंड में मानवता के मसीहा सदगुरु बाबा जी की याद में समर्पण दिवस समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की तैयारियों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वार्षिक समागम की तैयारियां चल रही हों। देश के अनेक प्रदेशों से समर्पण दिवस की तैयारियों में सेवा करने हेतु भक्तजन लगभग महीने भर पहले से ही दिल्ली पहुंच गए थे। चाहे वो मुख्य पंडाल हो या मुख्य द्वार, प्रदर्शनी हो या सत्संग का मैदान, हर व्यवस्था को सुचारू रूप से तैयार करने में भक्तजन पूरी तन्मयता से जुटे हुए थे। दिन की तपती हुई गर्मी हो या रात का सुनसान अंधेरा, श्रद्धालु भक्त अपने सद्गुरु की सेवा में निष्काम भाव से समर्पित थे। दयालु सद्गुरु माता जी दिन हो या रात सेवा करते भक्तों के बीच पहुंचकर जहां उन्हें भरपूर आशीर्वाद देते, वहीं प्रत्येक व्यवस्था का निरीक्षण भी करते। 13 मई का दिन आते आते सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। स्थान स्थान पर लगे बैनर्स पर अंकित सदगुरु बाबा जी के भुवन मोहक चित्र मानो उनके हर कहीं बसे होने का संकेत दे रहे थे। साथ ही सदगुरु के अनन्य भक्त अवनीत जी की सहज शांत भावभीनी छवि हृदय में सदगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव जगा रही थी। इस दिन सुबह निरंकारी कॉलोनी में श्रद्धालुओं ने कॉलोनी की गलियों और सड़कों की विधिवत रूप से सफाई की। निरंकारी भक्तों द्वारा जन सामान्य के लिए अनेक स्थानों पर पेयजल और भोजन की व्यवस्था की गई थी। सुबह से भक्तों का आगमन शुरू हो गया और पार्किंग का स्थान भरने लगा। आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह नूं आपां समर्पित होना है, क्योंकि सतगुरु जी ने भी साडे लई 36 साल सानू दिते आ। उन्होंने अपना आप समर्पित किया, उन्होंने ना अपना परिवार देखा, ना उन्होंने अपना सुख ना चैन देखा, उन्होंने अपने तन मन धन सारा सानू संतां नूं सुख देने वास्ते समर्पित किया। अज असीं उन्हां नूं भी समर्पित होने वास्ते आए। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाबा जी आई मिस यू, रियली मिस यू। बाबा जी का ये जो भाईचारे का मिलवर्तन का जो संदेश है वो हमें इतना अच्छा, जिसके कारण आज हम इतने लोग, भांति भांति के लोग, भांति भांति जगह से, भांति भांति भाषा के लोग आज इकट्ठे किए गुलदस्ते में बना दिए, हमारे बाबा जी की कृपा है। और इसी की कृपा से आज हम सभी बहन भाई, आज जो हमारे दिल में एक कमी है लेकिन हमारी सद्गुरु माँ ने वो भी कमी पूरी कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने बाबा जी को आज भी याद कर रहे हैं, निगाहें आज भी उनको शारीरिक रूप में ढूंढना चाहती हैं। यादें इतनी ज़्यादा हैं हमारे पास कि हम उन्हें भूल तो कभी पाएंगे ही नहीं, और पर बाबा जी का जो चेहरा है उन्हें देखने के लिए हम आज भी
हमारी आँखों में आंसू आने लगते हैं, पर फिर भी ये चाहते हैं कि बाबा जी हमेशा हमारे अंग संग ऐसे ही रहें और हमें उनका रूप माता जी के अंदर ही दिखता रहे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलावा जहां देश के कोने कोने से संगतों का आगमन हुआ, वहीं अपने प्रिय सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने हेतु दूर देशों से भी भक्तजन खींचे चले आए। हर हृदय में बाबा जी की याद, हर नयन में उनकी छवि और प्रत्येक जीवन में उनकी रहमत बसी हुई थी। उदास चेहरे और गंभीर वातावरण चारों ओर सदगुरु बाबा जी के परोपकारों की दास्तां सुना रहे थे। जो जो भी देन समाज नूं उन्होंने दिते, समाज अज याद कर रहा है। बाबा जी बहुत ही महान थे। अगर एक साल बाबा जी को हो गया है तो हम उनको एक पल के लिए भी नहीं भुला पाए। वो तो हमारे जहन में, दिलो दिमाग में पूरी तरह से बस चुके हैं। एक निरंकार रूप से तो हमारे हमेशा हमारे साथ हैं, बट साकार रूप में उनकी नीड हमेशा रहेगी। एक उनका जो स्माइलिंग फेस, जो हमेशा हंसते हुए अच्छा करके जवाब देना, जब भी हम लोग आते थे तो टच वुड जब भी आना होता था नमस्कार, हमेशा चरणों में नमस्कार होती थी। हमेशा ये रहता था कि बाबा जी चरणों में, 3 दिन यहाँ रुकना हो रहा है तो चरणों में नमस्कार अभी तक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जब नमस्कार हो जाती थी उनका मुस्कुराना, सिर पे हाथ रखना, तो वो चीज़ लाइफ टाइम हमेशा रहेगी। मुख्य सड़क के बगल में निश्चित स्थान पर एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें बाबा हरदेव जी महाराज के 36 वर्षों के दिव्य अभियान को चित्रों के माध्यम से उकेरा गया था। हजारों आगंतुकों ने प्रेम पूर्ण निगाहों से इस दिव्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अपने भाव व्यक्त किए। ये एग्जीबिशन देखते हुए हमें बस एक बात बार बार जो याद आती है जहन में, सबसे पहले माँ का दर्जा ऊपर रखा उन्होंने, हमेशा राजमाता जी को आगे रखा। तो बाबा जी ने हमें यही शिक्षा दी है कि पहले अपने घर से, अपने माँ बाप, माता पिता जो हमारे हैं, उनकी हमें इज्जत करनी है। शाम के लगभग 5:30 बजे सत्संग कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। अनेक वक्ताओं, कवियों और गीतकारों ने इस अवसर पर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को समर्पित अपने भाव व्यक्त करते हुए बाबा जी के 36 वर्षों के रूहानी सफर को याद किया। साथ ही अनन्य भक्त अवनीत जी की गुरसिखी और उनकी सेवा भावना का आदर सहित जिक्र किया गया। हर एक के हृदयों के अंदर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह ने साध संग लाखों लाखों साध संगत अपने गुरसिखों के हृदयों पर साध संग राज किया। ऐसी शाप साध संग हजूर ने छोड़ी जो युगों युगों तक साध संगत ऐसे ही ये चलती रहेगी। हमारे आने वाली जनरेशने साध संगत आगे से आगे सत गुरु का साध संगत जो एक शाप थी साध संग कभी भूल नहीं पाएंगे। सारी दुनिया का मसीहा मोहब्बत का मुजस्मा, कर गया जीवन समर्पित जलाकर सच की शमा। सत्संग इसने तो समर्पित कर दिया, हम दिवस मना रहे हैं समर्पित दिवस। सत्संग बार बार दासी आप जी से कुछ ऐसा कहे, आप सब समझ रहे हैं कि हम कब समर्पित होंगे। आज सत्संगत वक्त का पैगंबर सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी सामने बैठे हैं। सत्संगत आओ झोलियाँ फैलाएं, सतगुरु माता जी
जो हम ऊपर ऊपर से कहते हैं और तू माफ़ कर देता है, काश हमें अंदर से भी समर्पित कर दो, इससे ताकत मांगे। जहाँ आज बाबा हरदेव सिंह जी को याद किया जा रहा है, वहाँ विनीत जी को भुलाया नहीं जा सकता। दास ने मसूरी में उस महात्मा को, युवा महात्मा को बहुत नज़दीक से देखा, परखा, सत्संगत उस महात्मा का समर्पण किस तरह सत्संग गुरमत के रास्ते में चलकर सत्संगत इस मिशन का नाम रोशन किया, अपनी तोड़ निभाई सतगुरु के चरणों में। 36 साल दे एक एक पल विच बहुमुल्य वचना दा सदका, पूरे गुरु दे प्यारे गुरु सिख बन के सोना रुतबा पाइए। सतगुरु बाबा जी हु इज द बिगेस्ट बून एंड द बिगेस्ट ब्लेसिंग टू ह्यूमैनिटी दैट निरंकार गेव अस, ही वाज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ एंड लव, दैट वाज हिज एसेंस। In any interaction, in any part of creation, in any relationship where truth and love existed, that's where Babaji existed. There's not one experience that I can think of, because he was part of every experience and every breath and every moment of my life and everyone's life. Tera ishq meri ibadat hai, tera zikr meri zindagi, में रहता है इस तरह जैसे दिल की धड़कन चल रही, तेरा नूर नजर आता है एक कादर कुदरत में, तेरी महक है हर एक जर्रे से इस अवसर पर परम ममतामयी सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी के परोपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्रद्धालु भक्तों की ओर से आपको युग निर्माता की उपाधि से विभूषित किया गया। इस कार्यक्रम में मानवता के मसीहा के त्याग, प्रेम और कल्याणकारी जीवन को एक वृत्त चित्र के माध्यम से उकेरने का प्रयास किया गया, जिसे देख कर भक्तों के हृदय अपने प्यारे सद्गुरु बाबा हरदेव जी महाराज के प्रति कृतज्ञता से भर गए। सत्संग कार्यक्रम के अंतिम दौर में सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी ने बाबा जी के परोपकारमय जीवन की चर्चा करते हुए कहा, सत्संग जी, हम पिछले एक वर्ष से बाबा जी के उन अंतक 36 वर्षों का जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने सिर्फ इंसानियत के लिए समर्पित किए। सत्संग जी, ये सिर्फ 36 वर्ष नहीं, बाबा जी का तो बचपन से ही स्वभाव सत वचन करने वाला था। सत्संग जी, अवनीत जी के बारे में भी आप सब जानते हैं, एक छोटे से समय में उसने सबको इतना प्यार दिया, सबसे इतना प्यार लिया। सत्संग जी, बाबा जी ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित करी इंसानियत के लिए। अगर उन्होंने संगत को एक माँ का दर्जा दिया तो संगत के प्रति पूरी तरह से समर्पित हुए, पूरी तरह से डिवोटेड थे वो संगत की तरफ, और दूसरी ओर उन्होंने संगत को एक परिवार माना, हमेशा यही कहा, ये 8-10 जने घर के मेरे परिवार नहीं हैं, ये पूरी की पूरी संगत मेरा परिवार है। और अगर संगत को परिवार माना तो एक पिता की तरह एक एक बच्चे को उन्होंने अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखा, सबका इतना ध्यान रखा। सत्संग जी, बाबा जी तो समर्पित हुए, सब कुछ उन्होंने हमारे लिए किया। क्या जो बाबा जी ने हमसे चाहा वो हम कर पा रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ हमारे और सिर्फ हमारे पास ही है। प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।
सदगुरु माता जी के अमृत वचनों के साथ ही समर्पण दिवस समागम का सफल समापन हुआ और दूर दूर से आए भक्तजन सदगुरु बाबा जी के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर अपने अपने घरों की ओर लौटे। दोस्तों, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी 36 सालों तक दिन रात मानवता के कल्याणकारी पथ पर चलते रहे। देश के कोने कोने में गए, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बुलंदियां छूते रहे, तपते रेगिस्तानों में मानवता के दिलों को ठंडक पहुंचाते रहे। नगरों, गांव और कस्बों के दुर्गम स्थानों में भक्तों को कृतार्थ करते रहे। भले ही वे कदम थम गए, लेकिन आज भी संकल्प वही है, मानव कल्याण का सफर जारी है। आइए देखते हैं मई के महीने में हुई सदगुरु माता जी की कल्याण यात्राओं का ये ब्यौरा। सदगुरु द्वारा की जाने वाली कल्याण यात्राओं की लड़ी मई के महीने में भी जारी रही। 21 मई को सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी अपने काफिले सहित दिल्ली से उत्तराखंड की ओर रवाना हुए। रास्ते में हरिद्वार जिले के शेरपुर बेला में एक ग्रामीण अंचल में सत्संग भवन के लिए ली गई भूमि पर भक्त जनों का समूह एकत्रित होकर सदगुरु माता जी की प्रतीक्षा कर रहा था। ममतामयी सदगुरु माता जी ने यहाँ पर बाबा जी की ही भांति वाहन में खड़े होकर भक्तों का अभिनंदन स्वीकार किया और भरपूर आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात सदगुरु माता जी अपने काफिले सहित हरिद्वार के शीतला खेड़ा पहुँचे, जहाँ पर विशाल सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। यहाँ पर मौसम ने विकराल रूप धारण किया हुआ था। तेज चलती आंधी मानो समागम का सुंदर स्वरूप बिगाड़ने पर तुली हुई थी, लेकिन श्रद्धालु भक्तों का हौसला ऐसे मौसम में भी बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ पर उत्तराखंड के तमाम जिलों से भरपूर संख्या में संगतों का आगमन हुआ। नमस्कार की लंबी लंबी कई कतारों में भक्तजन सदगुरु माता जी के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु बढ़े चले आ रहे थे। एक ओर मुख्य मंच पर गीतों, व्याख्यानों और कविताओं के रूप में आध्यात्मिकता की पावन धारा बह रही थी, तो वहीं दूसरी ओर आसमान से होती बारिश मानो भक्तों के हौसले को आजमा रही थी। परम ममतामयी सदगुरु माता जी अपने दृढ़ हौसले के साथ भक्तों पर रहमत बरसाती रहीं। बाबा जी ने निरंकार का ज्ञान देके हमें ये समझाया कि हर व्यक्ति में इस निरंकार का अंश है। जब हर व्यक्ति में इस निरंकार का अंश है, हर व्यक्ति इस निरंकार प्रभु की संतान है, तो प्रभु की तो कोई जात पात नहीं है, तो फिर इंसानों की जात पात, प्रभु के बच्चों की जात पात कहाँ से आ गई। साध संगत जी, संत का जीवन और संत का कर्म ही उसकी पहचान होता है। वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, सबके साथ प्रीत प्यार से रहता है और इस मिशन के असूलों पे चलता है। आपने वो गीत की लाइन्स भी सुनी, बंदगी निभ जाए बस मेरी, मेरा जीवन हो शिक्षा तेरी, निरंकार कृपा करे, अंत श्वासों तक एक एक बच्चा इस मिशन का, इस मिशन की सिखलाई पे, बाबा जी की सिखलाई पे चलता रहे। सत्संग कार्यक्रम के पश्चात सदगुरु माता जी ने शीतला खेड़ा सत्संग भवन का उद्घाटन अपने पावन कर कमलों के माध्यम से किया और यहाँ पर उपस्थित भक्तों को चरणों पर नमस्कार का अवसर देकर कृतार्थ किया। अगले दिन 22 मई को सदगुरु माता जी अपने काफिले सहित हरिद्वार सत्संग भवन पर पहुँचे। यहाँ पर भक्तों को ममतामयी माता जी के चरणों पर नमस्कार और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। तदुपरांत सत्य का ये काफिला हरिद्वार से दोपहर बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गया। रास्ते में दयालु सदगुरु माता जी ने मुजफ्फरनगर सत्संग भवन पर रुक कर भक्तों को भरपूर आशीर्वाद दिया और फिर वापस मुड़ चले दिल्ली की ओर और संपन्न हुई उत्तराखंड की ये मानव कल्याण यात्रा। इसी प्रकार दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 8 में प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाले सत्संग कार्यक्रम में भी लगभग हर रविवार को भक्तों को सदगुरु माता जी की छत्र छाया प्राप्त होती रही। और अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। Children are not things to be molded, but people to be unfolded. With this vision of Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj, we present a show for the kids by the kids. A platform where they'll re-explore, reinvent
and learn with human values to be the change makers for a better world ahead. तो आइए हर महीने इस मस्ती की झलकी से सीखें और सिखाएं। Kids Divine, एक रूहानी मुस्कान। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक अ लुक एट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द मिशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द सेक्शन मिशन ओवरसीज। With the blessings of Sadhguru Mataji, in the series of blood donation camps, apart from India, many blood donation drives were organized in abroad also, where the volunteers of Sant Nirankari Mission donated blood with the spirit of selfless service to mankind. In the loving memory of His Holiness Baba Hardev Singh Ji Maharaj, Samarpan Devas Samagams were organized by the devotees of Sant Nirankari Mission in various parts of the world, where a large number of devotees were present to pay tributes to their true master. In New Jersey, the Samagam was attended by about 500 devotees at the Center for Oneness. Devotees shared their experiences and the teachings of Babaji. Again, the saints gathered to recall the love and humility of Sadguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj in Toronto. They expressed their gratitude towards Babaji in the form of devotional songs, speeches, and poems. The Chicago Center for Oneness also hosted Samarpan Divas in remembrance of His Holiness Babaji. Devotees from 12 neighboring states gathered to pay tribute. The saints spoke of how Baba Hardev Singh Ji Maharaj impacted their lives. In addition to the program, the Chicago youth organized an exhibition contributing memories and artwork in remembrance of Babaji and Avneet Ji. The exhibition consisted of pictures, paintings, and artistic interpretations of Babaji's philosophies. Additionally, the exhibition had a display with models and musings from the children of the Chicago Sangat, showcased to express the impact Babaji left on their lives. With the blessings of Yug Nirmata, Sadguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj, Samarpan Divas Samagam was also organized in West Midlands Satsang Bhavan. Attendees from all corners of the United Kingdom attended the Samagam. An inspiring exhibition portraying the tireless 36 years of His Holiness Babaji was also a limelight of the day. On May 20th, the members of Sant Nirankari Mission Toronto participated in a cleanliness drive under Adopt a Road initiative to make personal contributions to a cleaner environment. Sant Nirankari Mission Toronto has adopted a portion of a roadway which is about 3.4 kilometers. In this program, the regional roadsides are cleaned and cleared of garbage and thereby contributing to a clean and healthy community. Dedicated members of Sant Nirankari Mission are regularly participating multiple times every year in this cleanup initiative. With the blessings of Sadguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj, commissioning ceremony of Dr. Manisha Makhija Sadwani was performed on May 4, 2017 by U.S. Army officers at the Sant Nirankari Satsang Bhavan, Denver, Colorado. Two U.S. Army officers, Captain Katy Flatt and Sergeant First Class Lindy S. Corder, visited Sant Nirankari Bhavan and inducted Reverend Dr. Manisha as Captain into the U.S. Army Reserves. आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर और देखते हैं SNCF द्वारा मई के महीने में किए गए कार्यों का ब्यौरा इस रिपोर्ट से। आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाने की विचारधारा से युक्त बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2010 में की गई और विगत वर्षों से निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी के मार्गदर्शन में
SNCF द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में आध्यात्मिक व सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं और ये परोपकारपूर्ण कार्य सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की रहनुमाई में मई महीने में भी निरंतर चलते रहे, जहां SNCF द्वारा देश के विभिन्न शहरों व विदेशों में रक्तदान शिविर लगाए गए। 4 मई को गैंगटॉक सिक्किम में, 7 मई को लखनऊ उत्तर प्रदेश में, कालका हिमाचल प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश में और कैथल हरियाणा में, 14 मई को सिद्धि मध्य प्रदेश, 21 मई को पानीपत, पंचकुला, बरेली, दोमन, जम्मू व कश्मीर श्री गंगानगर और 28 मई को अम्बाला, निजामुद्दीन, दिल्ली व अन्य स्थानों पर लगाया गया, जहां बड़ी तादाद में रक्तदान कर श्रद्धालुओं ने मानव हितार्थ स्वेच्छा से रक्तदान किया तथा जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। 7 मई को SNCF द्वारा आयोजित एक नेत्र जांच शिविर मुंबई में लगाया गया, जहां अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा लोगों ने इसका भी लाभ उठाया और वॉलंटियर्स ने मरीजों व डॉक्टर्स के साधन व सुविधाओं का ख्याल रखा। सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की छत्र छाया में मानवता के पथ प्रदर्शक निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पावन स्मृति में 13 मई को पूरे विश्व में समर्पण दिवस मनाया गया, जहां संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में मिशन द्वारा स्वैच्छिक नेत्रदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिमला, दिल्ली व अन्य 20 स्थानों पर नेत्रदान शिविर लगाया गया तथा SNCF वॉलंटियर्स द्वारा नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। अब तक लगभग 12,000 लोगों ने पंजीकरण कराकर मरणोपरांत स्वैच्छिक नेत्रदान करने का संकल्प लिया। निरंकारी सत्संग भवन अम्बाला में एक नव निर्मित पार्क में वृक्ष लगाकर वातावरण को सुंदर बनाने का प्रयास किया गया। 28 मई को वडोदरा में वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, वडोदरा क्लीन स्वीप, जिधर मिशन के सेवादारों व SNCF के वॉलंटियर्स ने पहुंचकर इस क्लीनलीनेस ड्राइव में भाग लिया। 14 मई को जम्मू व कश्मीर में एक रिलीफ कैंप लगाया गया, जहां SNCF द्वारा भोजन आदि वितरित किए गए। साथ ही 18 मई को मोहाली में अग्नि प्रभावित पीड़ित परिवारों की सहायता हेतु SNCF के द्वारा भोजन इत्यादि वितरित किए गए। सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के आशीर्वाद से CSR फेयर में निरंकारी मिशन द्वारा SNCF के तत्वधान में होने वाले सामाजिक योगदानों से जनमानस को परिचित कराने हेतु 4 से 6 मई को प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हिस्सा लिया एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दी CSR शो NGO एक्सपो हेल्ड एट दी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई ऑन दी 25th and 26th May 2017, वेयर अराउंड 100 NGOs पार्टिसिपेटेड टू इन दिस इवेंट। रेवरेंट बिंदिया छाबरा जी, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट SNCF, रिप्रेजेंटेड दी SNCF ऑन दी ओकेशन एंड मिस्टर राकेश मुटरीजा वॉज दी guest speakers at the seminar, where many dignitaries including Mrs. Rajshree Birla, Chairperson Aditya Birla Group, Mrs. Mohini Dalji Singh, CEO Max India Foundation, and many more visited at the Sant Nirankari Charitable Foundation stall, praising the efforts and contribution of the foundation. The SNCF stall was praised and the foundation's activities were lauded by one and all. Overall, it was an educating and enriching experience. Iske alawa, Sadhguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj ke margdarshan mein 5 June ko World Environment Day par SNCF dwara 8 hill stations par vishal istar par safai abhiyan, vriksharopan अभियान चलाया गया, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट हम अगले महीने में देखेंगे। बिफोर वी मूव अहेड, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, एक खास मुलाकात। आई हैव विद मी हियर अमिताभ शर्मा जी फ्रॉम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन। अमिताभ जी, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी एंड हिज टीचिंग्स? बाबा हरदेव सिंह जी वाज अ क्रूसेडर। टू माय माइंड ही वाज डिग्निटी पर्सोनिफाइड। I was lucky and fortunate to have had his blessings somewhere about a year and a half back, when there was a samagam of Sant Nirankari Mission. What really dignified him to me was the soundness of his thought, and his aura was so evident by virtue of his magnanimity and his thought, and I'm sure
by virtue of his followings during the vast humanity that he has inspired. His message will percolate down to the cross sections of society that he was able to touch while he was alive. Losing a soul so sacred and so sanctimonious like Baba Hardev Singh Ji is a big loss to this world, and I'm sure everybody in Santirakari Mission would feel deeply engaged in his message and fructifying his dreams to transform them into reality. Another thing that he really, he always said, you know, life gets meaning when it's lived for others. And he said, you know, the duration of the measure of life is not in its duration, but it's in its donation. And he believed that blood should flow in veins, not in drains. So every year, blood donation drives, as you may already know, that are organized. So my question to you is, how do you think the selfless service such as blood donation drives and cleanliness drives bring importance to our community? The biggest message in what you just said, selfless, is a state of mind. So whether it is blood, or it is your time, which is Shramdan, or it is your deed that you do in terms of serving others, or you give money, or you mobilize people towards the dissemination of the right tenets of Baba Hardev Singh Ji and his teachings, it is all in the mind. And I think the beautiful message that Sant Nirankari Mission follows is worth emulating by the vast cross-section. Thank you, Amitabh Sharma Ji, for wonderful, wonderful thoughts. This is Manisha Arora signing off with Himanshu Mani, cameraman, Khas Mulaqat with News Divine. तो अब समय है मिशन की अन्य गतिविधियों से रूबरू होने का, अन्य समाचारों के रूप में आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 13 मई 2017 को जहां एक ओर दिल्ली के समागम ग्राउंड में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की याद में समर्पण दिवस समागम मनाया गया, वहीं देश व दूर देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में भी इसी दिन समर्पण दिवस समागम आयोजित किया गया। देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने भी इस समर्पण दिवस समागम को अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया व सद्गुरु बाबा जी के परोपकारों का उल्लेख करते हुए मिशन की सराहना की। इसी प्रकार अहमदाबाद में 13 मई को एक महिला समागम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को याद करते उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त की। 19 मई को बच्चों के भीतर छुपी प्रतिभा को निखारने हेतु निरंकारी कॉलोनी दिल्ली स्थित संत निरंकारी पब्लिक स्कूल में एक टैलेंट बस्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के सभी निरंकारी स्कूल के बच्चों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। बच्चों ने इस कार्यक्रम में डांस की विभिन्न मोहक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर बच्चों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया गया। इस कार्यक्रम में बहन बिंदिया छावड़ा जी ने उपस्थित होकर बच्चों को उनकी प्रतिभा के प्रति प्रोत्साहित किया। How much growth is done, and how the little kids, the youngsters, are performing over here. And I can see how the teachers have really worked hard, the dance teachers and the whole staff. I'm really happy and thank you very much for coming here.
and blessing these children, and bless them that these children rise in life and define what they have to do in life early on. Thank you so much. दोस्तों, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्य जीवन की दिव्य गाथा अमिट है, असीम है, ये हमेशा चलती रहेगी। जब तक उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा किए जा रहे परोपकारों की धारा बहती रहेगी, उनकी रहमतों की दास्तां भी चलती रहेगी। जब तक मानवता का कल्याण होता रहेगा, तब तक अमर रहेगा मानवता का मसीहा। जून महीने के इस एपिसोड में बस इतना ही। निरंकारी जगत की अन्य खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे जुलाई एपिसोड में। फिलहाल इजाजत दीजिए समता को। नमस्कार, धन निरंकार।